आप मानते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म यहाँ हुआ था? भाई हमने देखा नहीं तो हम कैसे कह दिया मानते हैं? नहीं तो हम कैसे कह दिया मानते हैं? ये हमारे न्यायपालिका बोल रही है, हम मान रहे हैं। अच्छा तो काबा है जो जो मुस्लिम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर मक्का मदीना है जो वहाँ पर पैगंबर साहब की जो है इबादत होती है, तो आप मानते हैं उनको? बिल्कुल मानते हैं। तो आपने जाने की सोची वहाँ पर कभी? नहीं, हम तो जाने की इच्छा तो होती है, हर वक्त होती है। किस लिए होती है वो इच्छा? दर्शन करने के लिए होती है। आपने उनको देखा है? नहीं, हमने भी नहीं देखा। तो फिर आप क्यों जाते हैं, क्यों सोचते हैं? मानते हैं ना, क्योंकि हमारा जो इस्लाम बताता है कि ये चीज थी जी, हम मानते हैं उसको। तो उसी तरह से जो है सनातन, जो सनातन हिंदू धर्म है, वो भी बताता है कि भगवान श्री राम थे। तो बताता है तो माना तो जा रहा है यहाँ पर। दोस्तों जय सियाराम। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में, और जब हम अयोध्या में आ गए तो हम यहाँ के मुसलमानों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम उनसे भी जानेंगे कि उनके दिल में क्या है, उनके मन की बात क्या है, क्योंकि देश जो है, देश मोदी शासन कर रहे हैं देश पर, और मोदी जी का कहना है कि सौहार्द है, जो एकता है वो बनी रहे, हर किसी को साथ लेना, साथ लेकर चलना। तो इसी दौरान हमें मिले मिराज खान, तालों का काम है और बगल में ही दुकान है इनकी, और इनसे हमने जानना चाहा कि आप क्या मानते हैं राम मंदिर जो बना, आप उसके बारे में आपके विचार क्या हैं। तो आप इन्हीं से सुनिए इनके विचार। जी मिराज जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आज ये आजम खान एक और है, मिराज जी हैं और आजम खान है। ये वो वाले आजम खान नहीं है, ये आजम खान वो वाले नहीं है, ये है आजम अयोध्या के आजम खान हैं, ये रामपुर के नहीं है। तो देखिए बात करते हैं, मिराज जी कैसा लगता है आपको जब राम मंदिर को देखते हैं? बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश रहते हैं जी। ये न्यायपालिका का फैसला है जी, इसलिए इसको मानना है, खुश है, इसको मानना है बिल्कुल। तो हिंदुओं ने ये बात कही थी, धर्माचार्यों ने बात कही थी कि जो मस्जिद है, मस्जिद पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं पर भी, हम आपको जगह दे देंगे, और वो वर्ल्ड क्लास मस्जिद बन रही है, और उसका शिलान्यास जो है खुद UAE के जो है वहाँ पावरफुल व्यक्ति हैं, वो उसका उद्घाटन करेंगे, तो आपको मस्जिद भी मिल रही है आपको? नहीं, वो मस्जिद मिले ना मिले इससे कोई बात नहीं, मेन मुद्दा था हमारे अयोध्या का, ये हल हो गया, इससे मैं खुश हूँ। इससे आप खुश हैं? बिल्कुल। तो मिराज जी, फिर आपके ही जो आपके धर्म के, आपके समुदाय के जो लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि आज ताकत नहीं है, इंशाअल्लाह कल को अगर ताकत आएगी तो इस मंदिर को गिरा के हम फिर से मस्जिद बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं है संभव, सब खत्म हो गया दौर जी। जी हाँ, खत्म हो गया वो दौर, थोड़ा नज़दीक आ जाइए। हो गया है जी। और ये हमारे न्यायपालिका का फैसला है, इसको माना है, और पूरे हिंदुस्तान ने माना है, इसको पूरे हिंदुस्तान ने माना है, कहीं एक भी घटना नहीं घटी है जी। हाँ, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इससे तो सौहार्द बिगड़ेगा जो ये कहेंगे कि भाई आज इनकी ताकत है, कल को जब हमारी आएगी तो हम वहाँ पर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना देंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, जो हो गया तो हो गया। तो ये जो फैसला है न्यायपालिका का, आप भी मानते हैं कि यहाँ पर राम जन्म भूमि थी यहाँ पर? नहीं नहीं, हम नहीं, न्यायपालिका ने अगर उसने फैसला दिया है तो उसको मानना है। आप मन से आपकी भी आस्था होगी, आप मानते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म यहाँ हुआ था? भाई हमने देखा नहीं तो हम कैसे कह दें हम मानते हैं? ये हमारे न्यायपालिका बोल रही है, हम मान रहे हैं। अच्छा तो काबा है जो जो मुस्लिम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर मक्का मदीना है जो वहाँ पर पैगंबर साहब की जो है इबादत होती है, तो आप मानते हैं उनको? बिल्कुल मानते हैं। तो आपने जाने की सोची वहाँ पर कभी? नहीं, हम तो जाने की इच्छा तो होती है, हर वक्त होती है। किस लिए होती है वो इच्छा? दर्शन करने के लिए होती है। आपने उनको देखा है? नहीं, हमने भी नहीं देखा। तो फिर आप क्यों जाते हैं, क्यों सोचते हैं? मानते हैं ना, क्योंकि हमारा जो इस्लाम बताता है कि ये चीज़ थी जी, हम मानते हैं उसको। तो उसी तरह से जो है सनातन, जो सनातन हिंदू धर्म है, वो भी बताता है कि भगवान श्री राम थे। तो बताता है तो माना तो जा रहा है यहाँ पे जी। हम मानते हैं पैगंबर साहब जो है 1500 साल पहले आए, उन्होंने जो है जैसा बताया और उस पर अमल किया गया, इस्लाम के बारे में जो जो उन्होंने बताया उस पर अमल किया गया, तो मुस्लिम समुदाय को भी मानना चाहिए। बिल्कुल मान तो रहे हैं भाई। तो फिर कुरान शरीफ में जो है ऐसा लिखा गया है कि जो इस्लाम को ना माने वो काफिर है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कुरान में कि जो कुरान माने वो इस्लामी है ही।
नहीं, जो कहते हैं जो कुरान को नहीं मानता वो काफिर होता है। हम तो ऐसा कह ही नहीं सकते कि नहीं मानते। एक मुस्लिम जो है जी, मुस्लिम का एक प्रतीक है, मुस्लिम का एक प्रतीक है कुरान शरीफ। जैसे आप लोगों में रामायण आ गया जी, जैसे आप लोगों में रामायण है और महाभारत, जैसे इनका नाम आजम खान है, ये अयोध्या से है। अपना धर्म होता है, जैसे कि जैसे हमारे हिंदू भाई हैं आप भगवान को मानते हैं जी, हम मुस्लिम हैं हम अल्लाह को मानते हैं, हमने अल्लाह को देखा नहीं है, आपने भगवान को देखा नहीं फिर भी आप मानते हैं। ये एक आत्मा होती है, दिल की खुशी होती है जिसको मानना है। जैसे लोग घर में माँ बाप होते हैं उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, एक ये होता है कि भगवान है हमारे। जैसे आप लोग कहते हैं माँ बाप के पैरों के तले स्वर्ग है, हम लोग कहते हैं जन्नत है, ठीक है ना। एक आस्था से जुड़ी हुई है। और जो ये मंदिर का निर्माण हो रहा है ये मतलब कोई अवैध नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। इसके जरिए अयोध्या में और पूरे देश में विकास हो रहा है, इससे हम बहुत खुश हैं। और हम ही क्या, पूरी अयोध्या मतलब जितने अयोध्या वासी पूरा देश खुश है, ठीक है जी। मंदिर बन रहा है जी, करोड़ों पब्लिक आएगी, यहाँ की इनकम बढ़ेगी, यहाँ का जो है विकास बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है। इससे कोई मतलब सरोकार नहीं है, ना कोई किसी को मतलब लेना देना है, ठीक है ना जी। ये जो कहा जाता है हिंदू मुस्लिम की बातें जो की जाती है, देखिए एक राजनीति है और एक दूसरे को भड़काया जाता है। अयोध्या में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, खाते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं। ये देखिए हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं, ये संजय कौशल भैया हमारे जी, बर्तन के व्यापारी हैं, इनसे बोल लीजिए, इनके आना जाना हर चीज़ का व्यवहार, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। यहाँ पे लोग जो बाहर दिखाते हैं, जो कहते हैं कि मतलब हिंदू मुस्लिम ये हो गया वो हो गया या मंदिर तोड़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है आप भारत माता की जय बोलते हैं? नहीं देखिए, भारत माता की जय में बोलते हैं हम हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, तो हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। जैसे कि हम मुस्लिम हैं। अच्छा आजम भाई मुझे बताइए, हिंदुस्तानी का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तानी का मतलब कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति एक हिंदुस्तानी है, ठीक है। देखिए पाकिस्तान का मतलब क्या होता है? अब देखिए वो दूसरा देश है, बताता नहीं जी। जो पाकिस्तान का मतलब है पाक, पाक का मतलब उर्दू में होता है साफ सुथरा, और स्थान का मतलब होता है जगह। यानी कि एक अक्षर को मिलाया जाए तो एकदम साफ साफ सुथरी जगह, यानी कि मुसलमानों का एक गढ़। उसी तरह से जो हिंदुस्तान है, हिंदू का मतलब आप मानते ही हैं जो सनातन धर्म को मानता है, और सनातन का स्थान का मतलब जगह, हिंदुओं का स्थान। लेकिन इस हिंदुस्तान में मुस्लिम भी हैं। जब बंटवारा देश का हुआ तो आधे मुसलमान पाकिस्तान चले गए, और जिन्होंने ना समझी, जो जिन्होंने ना समझा कि भाई हमें नहीं जाना, वो हिंदुस्तान में रहे। अब जो हिंदुस्तान में रहे हैं तो जो यहाँ के बहुसंख्यक हैं, जो हिंदू है, अगर मुसलमान भाई उनके साथ मिलाकर कंधे से कंधा चले तो उसमें परहेज कहाँ है? कोई परहेज नहीं सर जी, कोई परहेज नहीं आया। मैंने देखा है कहीं कहीं मुसलमान भाई बोलते हैं, शान से बोलते हैं भारत माता की जय श्री राम। आपको जय श्री राम बोलने में भी आपको देखिए मतलब हम लोग इस्लाम में जो सिखाया गया है, ठीक है ना, मुस्लिम जो कम होते हैं वो कुरान के शरीयत के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। जय श्री राम बोलने में कोई आपत्ति नहीं है और ना कोई दिक्कत है, जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जैसे आस्था होती है, जैसे आप देखिए बोलिए जय श्री राम, बहुत से लोग आते हैं मिलते हैं भैया जय श्री राम, हाँ भैया ठीक है जय श्री राम, तो कहने और जो दिल से मानने में एक दूसरे दबाग होता है, ठीक है ना, और कोई बात नहीं है। एक बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों रुके, इन्हें तो पाकिस्तान ही चला जाना चाहिए था। देखिए अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये तो राजनीति है, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि राजनीति किस तरह से होती है, ठीक है ना। और जो हिंदुस्तान में मुस्लिम हो सिख हो ईसाई सब रोक लेते हैं, सभी सनातन धर्म के हिसाब से रहते हैं, सब अपना कमा खा रहे हैं और खुशी से रहते हैं, कोई मतलब ऐसे कोई बात तो नहीं। ये बात तो खड़ाऊ भी बनाते हैं, देखिए भगवान राम की खड़ाऊ भी बनाते हैं, और भगवान राम की खड़ाऊ जो है वो चरण पादुका होती है, तो आप साधु संत वो सब पहनते हैं। तो भारत माता की जय बोलने में इस्लामिक तौर पर दिक्कत होती है? देखिए ऐसा भारत माता बोलने के लिए जय, भारत माता की जय बोल दिया जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बोला जा सकता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। मोदी को पसंद करते हैं? हाँ बिल्कुल पसंद करते हैं। जो सरकार इस समय है और जो विकास और जिस तरह से ये जो मंदिर का फैसला आया है, कोई भी सरकार नहीं ला सकती थी जी, ठीक है ना, ये आप भी मानते हैं सभी जानते हैं, इनके शासन में जो हो रहा है ये कोई भी सरकार नहीं कर सकती थी। इतना खूबसूरत अयोध्या जो इस समय आप देखने को मिल रहा है, हमारे तो लगता है कि हम अपने जीते जी कभी नहीं देख सकते थे, लेकिन बहुत खुशी हो रही कि अपने जीते जी मैंने इस तरह की अयोध्या देखा और मंदिर का निर्माण होते भी देख रहा हूँ, ठीक है,
हमको बहुत खुशी है, क्योंकि यहाँ चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, यहाँ पे हर व्यक्ति कमाएगा। मंदिर बन जाने की वजह से जो पर्यटक आएंगे यहाँ पे, जो यहाँ भीड़ होगी, पब्लिक आएगी, इससे दुकानदारी सभी की बढ़ेगी।